welcome back to my channel. I hope you all doing well, and welcome back to the second part of my brand new series which I have started last week, which was Best of the Brand. And today's brand is the Forest Essentials. So इसमें से बहुत सारे products हैं of course जो मैं last year से use कर रही हूँ, और कुछ हैं आई थिंक ओनली वन और टू प्रोडक्ट्स जो मैंने रिसेंटली लिए हैं, बाकी सब लास्ट ईयर से मैंने लिए हैं. और इन सब के इंडिविजुअल रिव्यूज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगे. इन सब के मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसका भी आपको इंडिविजुअल चेक करना होगा आप कर लीजिएगा. बट दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड, ख़त्म हो चुके हैं, रीपरचेज भी हुए हैं. सो आई थिंक नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू गिव यू the final words, like whether you should go for these or you should not. So if you're interested to know about that, then please keep on watching. And if you are new to my channel और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure आप नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को एक बार हिट करके उसको ग्रे कर दें. उसके बगल में एक बेल बटन बना है, उसको भी हिट कर दें, सो दैट यू ना कभी भी कोई वीडियोज़ को आप मेरी मिस ना कर पाएँ. और अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइज, देन कम एंड फॉलो मी देयर टू स्टे अपडेटेड ऑन अपकमिंग वीडियोज. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ विच आई एम पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ. सो या कम एंड फॉलो मी देयर. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव देयर डेलिकेट फेशियल क्लेंजर, कश्मीरी सैफ्रन एंड नीम, विच लुक्स लाइक समथिंग दिस. ये मैंने छोटा वाला लिया था, देन आई हैव परचेज द बिगर वन एंड आई हैव रीपरचेज द क्लेंजर, बट नॉट दिस सेम वर्जन. लाइक इफ यू गाइज फॉलो मी देन यू नो आई हैव रिसेंटली परचेज देयर हनी एंड मशोबरा वाला, रोज वाटर वाला क्लेंजर. उसको मैं भी यूज़ कर रही हूँ, उसका रिव्यू मैं दूंगी. बट this particular product is a star product of Forest Essentials according to me. I mean, this particular product has worked wonderfully on my dry, acne prone and sensitive skin. And this particular product is suitable for all skin types, whether you are oily, whether you are sensitive, whether you are dry, whether you are acne prone. I mean, every skin type. When I say that, I mean it. Like it is a that kind of product, you know, जो हर skin type पे perfectly suit कर जाएगा. Has a very this liquid like texture. You can see ये yellow color का liquid है अंदर, and ये liquid like texture में आता है. बहुत ही gently clean करता है आपके face को. It doesn't strip out your natural oils. बहुत ही परफेक्ट फेस वॉश है अकॉर्डिंग टू मी. एंड इसका जो पी एच है दैट इज़ अराउंड 7, विच इज़ अ न्यूट्रल पी एच. इट डजेंट कम विद अ क्लेम कि यू नो ये 5.5 पी एच के साथ आता है, सो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट. बट येस, मैंने इसका चेक किया था, तो जो इसका पी एच है दैट केम अराउंड 6 to 7, सो विच इज़ लाइक नॉर्मल, विच इज़ फाइन. Very very beautiful cleanser, and the fragrance of this one is just amazing. I am in love with this fragrance. I just love this product. This worked wonderfully, and you can see like I have repurchased it, so you can tell how much I love this one. So this one is highly highly recommended. Second in the list is this Pure Rose Water. This one is the facial toner Pure Rose Water in the variant Indian Rose. I just love this rose water guys. You guys know ki I don't prefer toner, I prefer rose water for my toning. And a lot of you ask me for, you know, open pores ka issue hai, ye hai, wo hai, you know, क्या यूज़ करें, टोनर कौन सा यूज़ करें. सो गाइज, आंखें बंद करके आप इस वाले रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हो. इट्स स्टीम डिस्टिल्ड एंड प्योर प्योर रोज़ वाटर. आई नो इट्स बिट एक्सपेंसिव, आई वुड से थोड़ा एक्स्ट्रा ही कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है. लाइक इट्स फॉर 1250 एंड आई थिंक अब उन्होंने प्राइस भी इंक्रीज कर दिया है इसका. बट इट्स सच अ स्टनिंग स्टनिंग रोज़ वाटर. आई हैव रिसेंटली ऑर्डर्ड द जूसी केमिस्ट्री वन, वो भी मुझे पहुंच जाएगा. उसका भी आप लोग काफ़ी टाइम से यू नो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसका रिव्यू करो, सो मैंने वो भी ले लिया है, वो भी आएगा अभी. आई विल लेट यू नो वो कैसा है. बट दिस पर्टिकुलर रोज़ वाटर इज़ द बेस्ट आउट देयर इन द मार्केट, प्योर 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 रोज़ वाटर. फॉर दिस आई कैन से यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, हाईली हाईली रिकमेंडेड. नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज दिस फेशियल टोनिक मिस्ट इन द वेरियंट हसायन रोज. नाउ ये वाला जो वेरियंट है ये उस वाले से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. आई थिंक आई मीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये देन दैट, बिकॉज इसके अंदर जो ये रोज़ यूज़ हुए हैं, ये हसायन जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये रोज़ेस बनते हैं. एंड
if you ask me like whether I will recommend this or the absolute one, the Indian Rose one, I would say I have loved this one over that. But my husband loved that one and I love this one. But yeah, both are really really good and aap inme se kisi ki taraf bhi ja sakte ho. They both are amazing. Next facial toning mist is this Vela one. Now ye mujhe chhotu sa mila hai, aap dekh sakte ho. Ye mujhe trial size mila tha and ye mujhe kuch zyada acha nahi laga because इसकी जी ये मोगरा वाली फ्रेग्रेंस है ना, आम जैस्मिन और मोगरा, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट एज, बट ये जो बेला वाली फ्रेग्रेंस है, इट्स नॉट माय टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, सो आई पर्सनली डोंट लाइक इट. बट येस, अगर आपको जैस्मिन वो मोगरा वाली फ्रेग्रेंस, अगर आप उसके दीवाने हैं तो यू गोना लव दिस वन. बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस वन, सो आई पर्सनली विल नॉट रिकमेंड दिस. बट इफ़ यू लव दिस फ्रेग्रेंस, इफ़ यू लव द बेला फ्रेग्रेंस, देन इट गोना बी a perfect fragrance for you. Next product in the list is this facial Upten Narangi and Nag Kesar. You can see ये वो थोड़ा सा बचा है मेरा, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है एंड ये एक्सपायर भी हो चुका है. अब इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी कम होती है, लाइक 11 मंथ्स होती है, एंड आपको विद इन 6-7 मंथ के अंदर इसको यूज़ करना होता है. सो आई फील इफ यू आर अ पर्सन हु लव डूइंग उपटर्न्स एंड हु लव स्क्रबिंग देयर फेस, लाइक इट एक्ट एज अ माइल्ड स्क्रब एज वेल. एंड मैं केमिकल एक्सफोलिएशन से मैं पहले इसी को प्रेफर करती थी, बट इफ़ यू गाइज नो दैट यू नो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड केमिकल एक्सफोलिएशन, लाइक पहले मैंने डॉक्टर शेथ के साथ लिया था 1 month चैलेंज, एंड उसके बाद रिसेंटली पिक्सी ग्लो टॉनिक का आपने रिव्यू देखा होगा. सो आई थिंक आई एम नॉट गोना यूज़ द केमिकल एक्सफोलिएशन एनी मोर, बट ऑफकोर्स आई एम गोना फिनिश माई डॉक्टर शेथ वन एंड देन आई एम गोना गेट बैक टू माई उपटर्न्स, बिकॉज दीज आर वेरी जेंटल, दीज आर नॉट दोज यू नो हार्श स्क्रब्स, लाइक उतना वो एक्सेसिव वाला फेस स्क्रब वाला फील नहीं आता है, बट इट्स प्रिटी गुड. लाइक हफ्ते में एक बार करना है देन इट्स फाइन, एंड यू कैन यूज़ दिस लाइक इन 3 वेज. आप इसको एज अ फेस क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट एज अ स्क्रब, यू कैन यूज़ इट एज अ मास्क एज वेल. सो इट्स अ मल्टी टास्किंग प्रोडक्ट. नाउ ये बहुत से वेरियंट्स में आता है, आप अपने स्किन टाइप और अपने स्किन के नीड के हिसाब से किसी भी उपटन की तरफ जा सकते हो. सो फ्रॉम माई साइड इट्स हाईली हाईली रिकमेंडेड. नेक्स्ट वी हैव दिस लाइट हाइड्रेटिंग फेशियल जेल इन द वेरियंट एलोवेरा. नाउ ये दो वेरियंट्स में अवेलेबल है, वन इज रोज एंड वन इज दिस वन. नाउ इसकी भी रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट अ वर्दी प्रोडक्ट, लाइक इट्स अ प्योर एलोवेरा जेल, बट द प्राइज इट्स इनसेनली हाई, लाइक 1400 और 1500 आई थिंक फॉर 50 ग्राम ऑफ जेल आई फील. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड, लाइक जब मैंने इसका रिव्यू किया था आई वॉज नॉट एबल टू टेल यू अबाउट द प्योर एलोवेरा जेल, बट रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एलोवेरा जेल विच इज़ 100% प्योर एंड देर इज़ नो फ्रेगरेंस इन इट. आई एम टॉकिंग अबाउट द विल्वा वन, उसका मैं जल्दी आप लोगों से रिव्यू शेयर करूंगी, सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट. बट फॉर दिस वीडियो आई कैन से इट्स नॉट एट ऑल अ वर्दी, लाइक द Like if you can pay this much for aloe vera gel, you can. But according to me, the price is a bit high and it's not worth the money. So next Upten, I have this Sondarya one. ये मुझे छोटा सा मिला था 8 ग्राम की quantity. Now this one is a really really good scrub. इसके जो beads हैं वो बहुत ज़्यादा soft हैं as compared to the Nageskar one. इसके बहुत soft beads हैं and मैं लेने यही वाला गई थी store पे बड़ा purchase करने, but then they said कि you know for pigmentation and all आप Nageskar वाला लो, otherwise मैं यही लेने वाली थी. because guys when you use this one ना, like आप एक या दो बार इसको use करेंगे ना, you gonna see the brightness effect on your face. so if you are bright to be or soon gonna be bright to be, I would say start using this Upten with whatever skincare you're doing, just include this one. And guys, I can tell you, you don't need any facials and all that stuff. This is a really good stuff. And for my brides, brides to be, I will highly recommend the Sondarya Upten. Up next, we have this Sun Fluid Tender Coconut Water. This one has a tender coconut water and turmeric and basil leaf, जो इनके main ingredient में लिखा हुआ है. उसके अलावा और बहुत सारे इसके ingredient mention है पीछे. And ये SPF 50 के साथ आता है and it has a protection PA++, like 2+, and ये कहते हैं कि UVA and UVB दोनों रेस से आपको protect करता है. So I don't know, I mean मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि you know they say कि it's not that
वर्दी वाला प्रोडक्ट कि यू नो ये अच्छी प्रोटेक्शन आपको नहीं देता है, बट आई डोंट नो, लाइक मैंने इसको विंटर्स में यूज़ किया है एंड अभी बचा है, अभी मैं आई एम नॉट एबल टू फिनिश इट ऑफ, सो आई एम गोना ट्राई इट अगेन इन विंटर्स. ये थोड़ा सा आपकी आइज़ को स्टिंग करता है अगर आपके आइज सेंसिटिव हैं, और बाई चांस अगर आपका हाथ ऐसे यू नो आइज़ पे लग जाए तो ऑफकोर्स स्टिंग करता है. So I'm gonna finish it off, and if I have any further to say about this, definitely I'm gonna make a updated review on this one. But for this video, I can say like I'm not sure whether I'm gonna recommend or not. Like this is the one product which I am totally confused with. Like I don't know whether I should recommend this or not. Next we have this light hydrating Hydra Eye Gel. Now guys, ये मैंने लिया था and I was so disappointed with this product. Now मैंने इसके रिव्यू में आपको कहा था कि you know मैंने इसको ये सोच के लिया था कि ये शायद डार्क सर्कल्स पर काम करेगी, but of course मेरी mistake थी. you know मैंने वो जो reviews थे उनको देख के मैं बेवकूफ बनी कि हाँ you know ये डार्क सर्कल पर काम करेगी, but I think it's not at all gonna work on your dark circle because इसके अंदर सिर्फ रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है और इसके अंदर क्यूकम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट है. सो इट्स नॉट फॉर, आई थिंक एलोवेरा है तो डार्क सर्कल पे काम करना चाहिए, बट आई फील 1000 रुपये अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स बेटर कि आप यू नो एक अच्छी एलोवेरा जेल ले लो, वो लगा लो, दैट गोना वर्क इक्वली फाइन फॉर द हाइड्रेशन. बट इन्वेस्टिंग इन दिस आई क्रीम इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मी. आई डोंट फील लाइक इट्स अ वर्थ द मनी बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे एलोवेरा जेल जैसी फील होती है, हाइड्रेट करती है, बट अगर आपके एक्सट्रीमली ड्राई अंडर आइज हैं और ड्राई अंडर आइज हैं, आई वुड से डोंट गो फॉर दिस वन बिकॉज ये उतना भी इट डू प्रोवाइड हाइड्रेशन बट इट्स नॉट एट ऑल मॉइस्चराइजिंग. सो definitely not gonna recommend this. Another disappointment from this brand will be this lip balm. It's their sugared rose petal with organic weez wax. ये मैंने last year लिया था, इसकी packaging ने मुझे बहुत ज़्यादा attract किया था and I'm sure कि आप में से बहुत सारों को ये बहुत ज़्यादा attract किया होगा, मुझे बहुत किया था, but I am very disappointed with this product. I know बहुत से लोगों को ये perfectly suit करता है, a lot of people have commented you know this has worked wonderfully. Guys, it's totally depend on the preference, like whether you like the light consistency or you like the heavy thick lip balms. So like I used to love my Laneige lip balm and us time pe maine isko try kiya tha to mujhe bilkul bhi acha nahi laga tha because iska jo consistency hai that's very light, like it feels like water. So agar aapko waisi consistencies achhi lagti hain then you can go for this one. But from my side, I will not recommend this one because it doesn't worth the money. I mean the price, I think ये सिर्फ इसकी packaging के लिए charge करते हैं. Product is not at all that moisturizing according to me. Okay, so next we have the body lotion. Now this one is the ultra rich body lotion in the variant Indian Rose Absolute and I absolutely love this one. This is such a nice product. You can see ये half use हुआ है, मैंने half बचा के रखा है. I mean I just love the fragrance of this one. Like initially जब मैंने इसको लिया था and जब मैंने इसको use किया था, I was like यार बड़ी अजीब सी fragrance है, but guys after some time, oh my god, जब मैंने इसको use किया उसके एक दो बार बाद and I just oh my god, the fragrance of this one is such amazing. I just can't explain. So if you love authentic rose fragrance, highly recommended. If you can afford this one because एक बहुत कम लगता है and बहुत अच्छे से moisturize and hydrate करता है आपके skin को, which is perfect. So this is the one product which is of course very expensive but definitely worth a try. I would say go for the small one. If you love this one, you can go for the bigger one. I just love this one. Next body lotion I have this from Sondarya range. It's their ultra rich body lotion with SPF of 25. ये मुझे 25 ml का ट्रायल साइज बोल सकते हो आप इसको, ये आप देख सकते हो इसका जो कंसिस्टेंसी है ना, इट्स वेरी रनी, यू कैन सी. आई डोंट नो वेदर लाइक मैंने इसका अभी तक रिव्यू नहीं किया है, बट इट इज़ वेरी लाइट एंड जो इसका ये आप देखो, इट्स वेरी लाइट एंड इट हैज़ अ प्रिटी सिमिलर फ्रेगरेंस जो इनकी सौंदर्य रेंज से आती है,
वही सेम फ्रेग्रेंस है इसकी भी एंड इट्स वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग दो बट आई डोंट नो द प्राइस ऑफ दिस वन कि कितना है बट येस इट्स प्रिटी मॉइस्चराइजिंग लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लोशन विद SPF सो आप इसकी तरफ जा सकते हो इसके अंदर SPF 25 है Up next we have this body mist. It's their iced pomegranate and Kerala lime one. ये भी छोटा मुझे मिला था. Now इसका भी मुझे fragrance. Oh my god, it's very strong fragrance. इसमें देखो एक तो lemon का fragrance है. Lemon है and वो जो गजरे की smell होती है ना. मोगरा और what do you call it as? I don't know. Like सिट्रसी है लेमन का फ्रेग्रेंस है लेमन का जो पील होता है उसका फ्रेग्रेंस है एंड मोगरा टाइप का फ्रेग्रेंस है लाइक गजरा टाइप का फ्रेग्रेंस है सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस इट्स यू गन लव दिस वन बिकॉज इट्स वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग बट येस इफ यू डोंट लाइक दैट फ्रेग्रेंस द एंड आई विल से डोंट गो फॉर दिस वन डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस इट्स प्रिटी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस द लास्ट प्रोडक्ट इन द टुडेज लिस्ट इज दिस शिया बटर एंड पोमेग्रेनेट लिप क्रीम नाउ इसका मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ रिसेंटली शेयर किया था मैंने आपको उसमें बताया था कि ये उतनी ज़्यादा थिक नहीं है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग ये नहीं है बट एज कम्पेयर टू दिस लिप बाम आई वुड से दिस इज मच मच बेटर बट अगेन यू नो गाइज ये डिपेंड करता है आपके लिप्स पे अगर आपके लिप्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको डेली नॉर्मल हाइड्रेशन के लिए चाहिए तो यू कैन गो फॉर ईदर एनी वन ऑफ दिस बट अगर आपके ड्राई एंड चैपी लिप्स हैं देन आई वुड से डोंट गो फॉर दिस वन जाना ही मत इसको इस बारे में सोचना ही मत बट स्टिल दिस वन इज bit more moisturizing than this one so in दोनों में से अगर मुझे कोई एक recommend करना है तो I would recommend this one still if you're looking for some more options so I have recently made a top 10 lip balm वाला video तो आप वो checkout कर लेना उसके जो link है description में मैं दे दूँगी वहाँ से मेरी जो top 10 recommendations हैं lip balm की वो checkout कर लीजिएगा आपके सारे doubts और answers आपको सब उस video में मिल जाएंगे alright guys so that's all about today's video I hope आपको आज के मेरे इस video से थोड़ी बहुत help मिली है देन मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा बाय बाय